मलक जहांगीर खालत, मलक नबील खालत, छत दरिया वाली झेलम। सात कबूतर, अब जाइए पायलट कबूतर, यसु के फाइटर कबूतर, पायलट कबूतर जो रात की तारीखी में ये कहते हैं पक्के लाइट पे लगे हुए। तो ये असु के जबरदस्त कबूतर हैं जो बिल्कुल रेडी है, तैयार है उड़ने के लिए, और बड़ी नायाब फीमेल है। सूचवी चैंपियन जेड जी चैंपियन है, 40 नंबर सलारा कबूतर है और लाजवाब कबूतर है, फाइटर कबूतर है। ये पंजाब में अच्छी फाइट करने वाला ये चैंपियन मादी है। 7:15 तक ये बैठी है, गेट में भी इसकी अच्छी उड़ाने थी। 7:35, 7:37 जेड में ये बैठा है। इस ये बहुत जबरदस्त मादी, बहुत जबरदस्त गेट चैंपियन, असूबी चैंपियन। ये जवाबी पोस्ट लाई है, लिखा एक हूं फैसला कर लें। अच्छी पोस्ट है अगर तुम जेलम, जेलम भी थोड़ी वन टू वन बाजी है। अगर तुम जेलम उड़ते हो तो फिर उस्ताद मोइन नवाज नहीं उड़ सकते। अगर तुम मोइन नवाज ना उड़ते फिर जेलम नहीं उड़ सकते। अगर जेलम ना उड़ते मोइन नवाज नहीं उड़ सकते। यही गल है। उम्मीद करने कि अगर पंजाब का कोई फैसला होया तो तुम ये वन टू वन असू का शौक करो। जी इंशाल्लाह करेंगे। पंजाब का कोई प्लेयर पहले जो नामीनेशन किया उन्होंने शौक करने का इरादा करेंगे जी। चौदह सीजन करेंगे उन्होंने करोगे जी? जी सब ने करेंगे तैयार। और बड़ा बड़ा ग्रुप है, बड़े बड़े खिलाड़ी ने तैयार रखने मसला नहीं। तुम मेहनत कर रहे हो जी, ड्यूटी दे रहे हो। तुम्हारी मैं हालत देख रहा, थोड़ा कलर देख रहा, वाकई तुम मेहनती आदमी हो। इस सीजन तुम बहुत अच्छे कबूतर लाए इंशाल्लाह। जिदे भी कबूतर ने ये बिल्कुल रेडी है। असू के कितने घंटे कबूतर बना सकते हैं? तुम्हारी अपनी कम से कम है मेरे वैसे जहन च ना जो कोई 85-90 घंटे। पंजाब के बेबी पिजन के चैंपियन बन दे जी? बन दे जी। मैं अनाउंसर सा, इनाम से गुजरात मलक नईम खालस साहब नाम लैके आए सर जी। जी उसे 84-85 बेबी पिजन के घंटे बनाए जी। जी बड़े बहुत अच्छा तुम सीजन खेडिया। ये मेरा दूसरा सीजन है तुम्हारा जी। जी तो तुम पंजाब के जो खिलाड़ियों को आवाज़ दी है, जो शौक दब तो शौक दी है, तुम्हारी स्वादा साड़ी गपशप होंगी रही। तुम भी कहते हो मलक जहांगीर खालत एक बड़े बड़े मुहब्बत करने वाले, प्यार इस शौक ना बड़ा उन्होंने लगाव है। उन्होंने जेलम की जितनी एक कमेटी मैंबरान ने, जेलम के जिन्हें कंपीटिशन उठे ने, उन्होंने 6-6, 5-5 लाख रुपया उन्होंने बतौरे तावन दिता है। ये उन्होंने मेरा इस शौक न लगन देखो कि उत्थे दियारे गायर च बैठ के वो अपने इस जेलम के जितने भी बड़े खिलाड़ी ने, जिहड़े जिस तरह राजा इफ्तिखार काका है और जिहड़े प्लेयर ने, उन्होंने बतौरे तावन इतनी इतनी अमाउंट दे रहे हैं। ये उन्होंने इतने शौक न अगर देखा जाए, अगर तुम मोइन नवाज को हार जाते हो घर जाके दाव दोगे, नामी रकम देंगे, मुबारकबाद दोगे, मिठाई दोगे, क्या बात है। ये तुहाडी रीत है, तुसी अगे भी कीता, तुसी अपने डेरे ते बड़े बड़े फंक्शन कीते ने। मैं गवाह हां तुहाडे साहब, मैं उहदा अनाउंसर रहा। इत्थे जनाब चौधरी सखी पट्टी साहब भी इहनां दे डेरे ते आए, उस्ताद मोइन नवाज घुमण साहब भी आए, सारे लाहौर दे इक्की उस्ताद, उस्ताद नयाब हैदर नकवी सब आए, चौधरी अशरफ साहब, इम्तियाज इराबी नाले, उस तों बाद शेख अफजल साहब, मुस्तफा अडेले, हाफिज नईम भट्टी साहब, सारे इहनां दे डेरे ते आए, बतौरे उन्होंने ममानक सुसी बुलाया और बड़ी रिस्पैक्ट की। वो फिर गैप हो गया, गैप होने तो बाद दोबारा तुम छत बनाई वाली छत है। 2-3 साल हो मेरे जी। तो हूँ इतों जरा एरिया इतने शौक का मजा इंजॉय हो रही तरह जी। जी बड़ा इंशाल्लाह इतने तुम तको दूर दूर आबादी का, अगर कैमरामैन दिखा कोई शह नज़र नहीं आ रही, कोई चीज़ नहीं है। तो इतने तो शौक का मजा ही बड़ा है। तो इतने कबूतर तुम उड़ा के लोगों को नाइट दसिया किस तरह रात में कबूतर बैठ जी बैठते हैं। हूँ थोड़ा शौक है जो असू है, अगर तो पंजाब कमेटी किसी पेज पर इकट्ठी हो जाती है तो तुम असू का
अशोक तमाम ग्रुपों ने जिन्होंने दावते शौक दिता उन्होंने करो जी इंशाल्लाह करेंगे तैयार तो फिर जेलम का अगर जेलम च कोई आवाज़ दे जिन्होंने तुम मुकाबले किए ने जोड़े थोड़े को हरे ने वो तो बिल्कुल रेडी ने जो उन्होंने कल ये ना कि उन्होंने तुम्हें यह क्या कि सू जब तक फाइनल नहीं होंगे अभी थोड़े थोड़ा रुक जाओ रुक जाओ ठीक है तो वो फाइनल अगर किसी एक पेज दिया जेलम दिन सराई ने भी शौक करो जी इंशाल्लाह करेंगे सब ना करेंगे तुम्हारा काम ही मंगोलना भी शौक होया जी सारा ना होया भूती बाटर भी तुम शौक किया वह भी बड़े बड़े प्लेयर ने बड़े खिलाड़ी ने उस तो बाद कमेटी मैंबर ने राज अजीर साहब भोला उस तो बाद सोनू डार कमेटी मैंबर है इन्होंने भी थोड़ा बाजिया लगी है तो फिर जिस तरह यह मैनेज करोगे अगर कमेटी को फैसला कर दी है उस फैसले एक्सैप्ट करोगे जी करेंगे इंशाल्लाह तुसी जिस तरह पंजाब के मुख्तलिफ प्लेयर नू अप्रीशिएट करते हो उस तरह जेलम कमेटी नू भी अप्रीशिएट करते हो और मेरा ख्याल नाल तुसी प्रॉपर अगर जेलम कमेटी नू हैंडल करते हो या जेलम कमेटी नू डिसाइड करते हो कि साढ़े इस तरह प्रवादी मुकाबले बाहरले सिटी तय होंगे तो तुहाडे नाल मेरा ख्याल कमेटी पूरा तावन करेगी तो तुसी भी कमेटी नाल पूरा एग्री हो तो हूँ कि लेंदे ने सानू अपना शौक भी दिखाओ जेठ का भी असु कत्ते का भी ए देखो जी फीमेल है और बड़ी नायाब फीमेल है ये असु च भी चैंपियन जेठ चैंपियन है देखो ये दुब देखो इसकी आई देखो इसका पूलर पूरा कलर देखो इसके पाँव देखिए और ले और जेठ में भी इसकी अच्छी उड़ाने थी चैंपियन ये चैंपियन मादी है इसके पर देखिए इसकी दुम देखिए इसके पाँव देखिए ये पूरे कलर में जेठ में भी कितने बजे तक उड़ी है जी ये उड़ी है सवा सात बजे सवा सात बजे तक ये बैठी है असु में भी चैंपियन है बेबी पिजन में जी जी दोनों तीनों सीधरों में ठीक हो गया इसके बाद ये मादी है जी ये बहुत ज़बरदस्त मादी है और अच्छी उड़ा रहा है अच्छा फेस है इसका ये मादी बहुत ज़बरदस्त जी जी दोनों मौसम ये भी दोनों सीजन उड़ी है और अच्छा परपुरज़ है इसका भी ये पाँव इसके बहुत ज़बरदस्त है दुम इसकी बहुत अच्छी है कलर इसका बहुत लाजवाब है बहुत बढ़िया।